हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे, वह मैच खेला जाएगा दोस्तों, यहां पर बात करेंगे गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच। इस मैच की आप लोगों को ग्रैंड लीग की टीम बनाकर बताने वाले हैं, साथ में मात्र आप लोगों को तीन टीम बनाकर बताऊंगा ग्रैंड लीग की। वहीं से आप लोग जो ग्रैंड लीग के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। तो दोस्तों, जाना वीडियो में आप फालतू बात न करते हुए सीधी बात करेंगे कि आप लोग अपनी टीम किस प्रकार की बनाएंगे और ग्रैंड लीग आप लोग किस प्रकार से जीतेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से खेल रहे होंगे दोस्तों। आईपीएल ये सीजन भी दोस्तों यहाँ पर आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अगर आप लोग ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूँ, इसी आईपीएल सीजन में तुम्हारे भाई ने लगभग दोस्तों 24 से 25 ग्रैंड लीग जिताकर दी है अपने व्यूअर्स को। और दोस्तों, यहाँ पर जो टेलीग्राम मेंबर है उनको, हमारे टेलीग्राम मेंबर जो आते दूसरे दिन यहाँ पर विन करते रहते हैं, वो भी ग्रैंड लीग्स। तो आप लोग जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। और कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो पूरा देख लिया आप लोग को यकीन हो जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हैं। तो इस मैच की बात करेंगे दोस्तों, 28 तारीख को 3:30 बजे से यह मुकाबला जो है दोपहर में खेला जाएगा। इस मैच की पूरी पिच रिपोर्ट आप लोगों को बताएंगे, साथ में कौन कौन से खिलाड़ी टीम में पिक करने हैं, कौन से खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड आप लोगों के लिए रहेंगे, और दोस्तों यहां पर जो किस प्रकार की पिच खेलेगी, और दोस्तों आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की मात्र तीन टीम, 20 से 21 टीम नहीं, मात्र तीन टीम बनाकर जो रैंक वन या फिर 1 से 5 के बीच में या दोस्तों लाखों के बीच में दोस्तों जो अपन पैसा अर्न करेंगे, वहाँ पर रैंक कैसे आएगी, तो वही सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे पिच की, तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों 168 रन और एक माफ की दोस्तों 180 रन बने हैं एवरेज स्कोर। हाईएस्ट स्कोर 200 रन 7 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट स्कोर 89 रन 10 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार का पूरा दोस्तों बात करें तो पिच का रिपोर्ट रह रहा है, जिसमें बात करेंगे दोस्तों टोटल मैचेस की, तो टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक बार आप लोग यहाँ पर जो है ध्यान से गौर कीजिए, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है और बैटिंग सेकंड और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर चेस करना बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बात करें तो दोस्तों ग्राउंड की, टाई की बात करें तो एक भी मुकाबला टाई नहीं, 4 में से 3 जो मुकाबले चेस करते हुए जीते गए हैं। तो जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी, वह पहले दोस्तों यहाँ पर जो फील्डिंग लेगी और बाद में चेस करते हुए मुकाबला आसानी से जीत सकती है। इस मैच में भी जो टीम चेस करेगी, वही मुकाबला आप लोगों को जीतते हुए नजर आ सकती है। दोनों ही टीमों दोस्तों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार फॉर्म में लौटे हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। तो कौन सी टीम से किसको पिक करें, किसको पिक नहीं करें, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों पेसर और स्पिनर्स के बारे में बात करें, तो पेसर्स को यहाँ पर 8 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स को यहाँ पर 3 विकेट मिले हुए हैं। यानी पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद है दोस्तों स्पिनर्स की तुलना में, पेसर्स का पड़ना यहाँ पर ज़्यादा भारी है दोस्तों स्पिनर्स की तुलना में। बात करें तो रिसेंट की T20 मैचेस की बात करें हम इस ग्राउंड पर। आगे दोस्तों बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड किस प्रकार के हैं दोनों टीमों के, तो दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने 2 मैच जीते हैं और आरसीबी की टीम 1 मुकाबला जीती है, 1 भी मुकाबला यहां पर टाई नहीं हुआ है। गुजरात टाइटंस का पड़ला 1 मैच दोस्तों जाना जीते तो भारी है, और आरसीबी दोस्तों इस मैच में जो खेल कर बराबर करना चाहेगी उनके रिकॉर्ड को, क्योंकि दोस्तों लगभग 1 महीने में आरसीबी ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की, लेकिन उनकी पटरी जो है प्लेटफॉर्म पर उतर आई है। और अभी भी दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिकल सोचा जाए तो अभी भी आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है, 14 पॉइंट पर पहुंचकर अभी भी भाई दोस्तों क्वालिफाई के लिए अवेलेबल है। तो आरसीबी अपनी पूरी दम लगाई गुजरात टाइटंस को हराने में इस मैच में। प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, किस प्रकार की प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आएगी गुजरात टाइटंस की आप लोगों को इस मैच में, तो सुमन गिल, रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, संदीप बॉरियर, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा और नूर अहमद, ये 11 खिलाड़ी आप लोगों खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है गुजरात टाइटंस की टीम में, अब दोस्तों इनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम में पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है और इनमें से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं, सीधे दोस्तों आप लोगों को टीम बनाकर ही बता देता हूं। 3 टीमें मात्र ग्रैंड लीग की, उन्हीं 3 टीम से आप लोग बहुत अच्छा खासा रैंक हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी खेलते समय आप लोगों को एक ही चीज़ माइंड में हिट करनी चाहिए, हमको करने पॉइंट्स इकट्ठे, और पॉइंट्स इकट्ठे आप लोगों को कर लिए तो आप लोग ग्रैंड लीग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग, पॉइंट्स इकट्ठे करके आप लोग जीत सकते हैं। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों की टीमें आप लोगों को तुम्हारा भाई प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के भी कर लो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आरसीबी की, किस प्रकार के 11 खिलाड़ी आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे, तो फैब डू प्लेसिस, विराट कोहली, विल जैक्स, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोड, करण शर्मा, लाकी फर्गुसन, यश दयाल और मोहम्मद सिराज, ये खिलाड़ी आप लोगों 11 खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों इम्पैक्ट में स्वप्निल सिंह जो पिछले मैच में आए थे, भय आते हुए आप लोगों को नजर आएंगे आरसीबी की टीम में। तो उनमें से दोस्तों ये जो 11 खिलाड़ी मैंने बताए, क्या दोस्तों फाइव डुप्लेसिस को टीम में पिक करना है, विराट कोहली को कैप्टन रखना है या नहीं रखना है, विल जैक्स, रजत पाटीदार हो गए शानदार फॉर्म में आ चुके हैं रजत पाटीदार, और दोस्तों कैमरन ग्रीन भी अच्छे खासे फॉर्म में आ चुके हैं, तो किसको टीम में पिक करना है आरसीबी की तरफ से, किसको पिक नहीं करना है,
कैप्टन किसको रखना है, वाइस कैप्टन किसको रखना है, ये सारी जानकारी चलिए अब आप लोगों को सीधा तीन टीमें बनाकर बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फाइनल टीम मिलती है टॉस के बाद, और मात्र तीन टीम बनाकर आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आता है क्या भाई आप तीन टीम बनाते हो, क्या तीन टीम से हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं? तो भाई हम खुद जीत रहे हैं, आप भी जीत सकते हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर हैं टेलीग्राम के, भाई भी लोग भी जीत रहे हैं, तो आप लोग भी जीत सकते हैं। बस सबसे पहले तो दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पर फाइनल टीम आप लोग टॉस के बाद मिलेगी। कॉपी पेस्ट भी कर दी दोस्तों तीनों टीमें, तो भी आप लोग बड़ी आसानी से ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। अब ग्रैंड लीग जीतने से दोस्तों ये नहीं कि पहले ही मैच में आपकी रैंक वन आ जाएगी, आप लोग दोस्तों अपने भाई को मात्र 5 से 6 मुकाबले दे दीजिए, 5 से 6 मुकाबलों में आपकी अच्छी खासी रैंक हासिल करके मैं दिला दूंगा। फर्स्ट रैंक की गारंटी नहीं है, 1 से 5 के बीच में भी आ सकते हैं, या फिर दोस्तों इन्वेस्टमेंट जितना करोगे उससे दोगुने पैसे जीतोगे, हजारों में जीतोगे, लाखों में जीतोगे, इस बात की तो गारंटी है। तो कहीं भी लिख के दे दूंगा दोस्तों, इतना तो आप लोग विन कर ही जाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग ने अब तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। इस पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर फैंटेसी की टिप्स एंड ट्रिक्स की जो है दोस्तों मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, और यहाँ पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग बिल्कुल फ्री में देता रहता हूँ। किसी प्रकार को कोई भी सवाल है, फैंटेसी से रिलेटेड टीम बनाना नहीं आता, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप लोग अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और रिप्लाई वहाँ पर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। तो ये रही दोस्तों हमारी वो जो तीन टीमें रहेंगी, भाई तीन टीम है, तो कौन से खिलाड़ी को पिक करना है, कौन से को पिक नहीं करना है, इसके बारे में भी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। पहली टीम के बारे में बात करेंगे तो रिद्धिमान साहा बतौर विकेटकीपर हमने टीम में पिक किया हुआ है, विराट कोहली, डेविड मिलर, फाइव डुप्लेसिस, सुमन गिल, विल जैक्स, संदीप वॉरियर, मोहित शर्मा, राशिद खान, यश दयाल और मोहम्मद सिराज। इस टीम में कैप्टन हमने आपको बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है राशिद खान को रखा है, वाइस कैप्टन हमारे फैफ डुप्लेसिस होने वाले हैं। ये रही दोस्तों हमारी सबसे यूनिक टीम, जिसमें दोस्तों कैप्टन तो राशिद खान है और वाइस कैप्टन फैफ डुप्लेसिस हैं। मोहित शर्मा, संदीप वॉरियर, ये दोस्तों दो बॉलर हमारे गुजरात टाइटंस की तरफ से, मोहम्मद सिराज, यश दयाल ये हो गए आरसीबी की तरफ से, विल जैक्स एकमात्र ऑलराउंडर आरसीबी की तरफ से, विराट कोहली फैफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे, और सुमन गिल हैं और डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा हो गए हमारे गुजरात टाइटंस की तरफ से। ये रही दोस्ती हमारी पहली और सबसे यूनिक टीम, इस प्रकार की टीम ही आप लोग ग्रैंड लीग जिताती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और 100 से 10% दोस्तों गारंटी के साथ ग्रैंड लीग आप लोगों को जिता कर दूंगा, इस बात की तो गारंटी है। दूसरी टीम के बारे में बात करें तो दिनेश कार्तिक, रिद्धिमान साहा हमारी टीम में है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, सुमन गिल, साई सुदर्शन, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, मोहित शर्मा, राशिद खान और दोस्तों मोहम्मद सिराज। कैप्टन की बात करें तो सुमन गिल कैप्टन बनाया है और विल जैक्स को वाइस कैप्टन रखा है। इस टीम को एक बार आप लोग गौर से देख लीजिए, विराट कोहली, रजत पाटीदार, भाई साहब इतना अच्छा तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाया ना इस टीम का कि आप लोग कुछ की कुछ बात ही नहीं कर सकते। मोहित शर्मा डेथ में गेंदबाजी करेंगे और विकेट पक्के हैं आरसीबी के खिलाफ दोस्तों, इनके जो है आप लोग लिख लीजिए 1 या 2 विकेट तो पक्का है। राशिद खान भी दोस्तों तगड़ी गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग से भी पॉइंट्स देने वाले हैं। मोहम्मद सिराज, विल जैक्स को वाइस कैप्टन रखा है, सुमन गिल कैप्टन है, साई सुदर्शन है हमारी टीम में, और यहाँ पर रिद्धिमान साहा, कैमरन ग्रीन, विराट कोहली, रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक। ये रही दोस्तों सबसे तगड़ी टीम। और आखिरी और फाइनल टीम जो तीसरी टीम रहेगी हमारी, उसके बारे में बात करें तो रिद्धिमान साहा बतौर विकेट कीपर, विराट कोहली, डेविड मिलर, फाइव डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, सुमन गिल, साई सुदर्शन, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, राशिद खान और यश दयाल। इस टीम में कैप्टन विराट कोहली हैं और वाइस कैप्टन हमारे सुमन गिल हैं। ये रही दोस्तों हमारी तीन टीमें, जिनको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेम की सेम टीम कॉपी पेस्ट करके रख देनी है, तीनों की तीनों टीमें बनाकर रख लेनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर फ्री में आप लोगों को तीन ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनसे आप लोग अच्छी खासी रैंक हासिल कर सकते हैं, और स्मॉल लीग की टीम भी वहीं पर आप लोग मिलने वाली है, वो भी अलग से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्मॉल लीग आप लोग खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, बहुत धमाकेदार हम लोग विन कर रहे हैं इस आईपीएल सीजन में, आप लोगों को विन कराना चाहते हैं तो जल्द से लिंक डिस्क्रिप्शन दिया टेलीग्राम चैनल के, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आप लोग ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको अभी के भी जरूर दबा दें।